हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके YouTube चैनल का प्रोफाइल पिक्चर मोबाइल के थ्रू आप कैसे बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको YouTube ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर का आइकन है ना, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका मल्टीपल यूट्यूब चैनल है ना, तो वो चैनल सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है। उसके बाद योर चैनल पे क्लिक कीजिए। यहाँ जाके आपको एडिट चैनल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हो जो सर्कल के फॉर्म में है, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको दो ऑप्शन दिखाएगा। पहला, या तो आप ऑन द स्पॉट कैमरा के सामने अपना फोटो खिंचवा के अपलोड कर सकते हो, एंड दूसरा, अगर आपका ऑलरेडी फोटो रेडी है गैलरी में, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब फोटो अपलोड करने से पहले YouTube के कुछ गाइडलाइंस है रिगार्डिंग प्रोफाइल पिक्चर, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं गैलरी में जाऊँगा, एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप तीन वर्टिकल डॉट्स देख सकते हो ऊपर, उस पर सेलेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन पर जाइए। तो जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, यही एक्चुअली पूरा YouTube का गाइडलाइंस कवर करता है। तो जो पहला गाइडलाइन है ना, वो बेसिकली रिगार्डिंग फाइल फॉर्मेट के लिए। इमेज का फॉर्मेट जो सबसे कॉमन है ना, वो है JPG या फिर PNG। सेकेंड जो गाइडलाइन है, वो रिगार्डिंग फाइल साइज है। अगर लो रेजोल्यूशन फोटोज रहेंगे ना, तो वो जनरली KB में होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड अगर हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस रहेंगे ना, वो MB में होता है। लास्ट जो गाइडलाइन है, वो रिगार्डिंग डायमेंशंस के है, वो जनरली पिक्सल्स में होते हैं। यहाँ पे जो विड्थ और हाइट दिया है ना, और जो नंबर्स मेंशन किया है ना, वो एक्चुअली इमेज के लिए पिक्सल्स में है। गूगल का जो सपोर्ट सिस्टम है यूट्यूब के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल पिक्चर की गाइडलाइंस दिए हुए हैं। एंड ये वैसा ही है जैसे मैंने मेंशन किया। जस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस सिंपल वर्ड्स में तो यही बोलता है कि जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो, वो डिसेंट होना चाहिए, किसी का नाम नहीं खराब करना चाहिए, एंड हो सके तो खुद का ओरिजिनल कुछ डालो। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट मेंशन किया है, दो और फॉर्मेट मेंशन किए, बट जनरली हम जो फोटोज डालते हैं वो JPG में ही होता है। बाद में जो दिया है वो डायमेंशंस दिया है, ये 800x800 बेसिकली एक स्क्वायर हो गया वो। एंड लास्ट में जो दिया है ना, वो साइज दिया हुआ है कि स्क्वायर या राउंड इमेज। अब ये जो स्क्वायर या राउंड इमेज है ना, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली स्क्वायर एंड राउंड कहाँ पर देखने मिलता है। मेरे वाले केस में मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो रेडी है गैलरी में। इसे प्रॉपरली जूम कीजिए कि आपका जो भी फोटो रहेगा वो प्रॉपरली सेंटर में आएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो YouTube का प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, वो सर्कल होता है, ठीक है, बट फिर भी जब हम लोग नया फोटो अपलोड करते हैं ना, तो हम नोटिस करते हैं कि वो स्क्वायर दिखा रहा है। सो बेसिकली अगर आप सर्कल देख रहे हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो सर्कल के अंदर जो भी पार्ट होगा ना, वही आपके प्रोफाइल पिक्चर में दिखने वाला है। एंड जो भी स्क्वायर का कॉर्नर्स है ना, वो सब कट जाएगा एंड वो सब नहीं दिखने वाला आपके प्रोफाइल पिक्चर में। इसके बाद जाके सेव कीजिए। आप देख सकते हो कि मेरा प्रोफाइल फोटो जो है अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। बैक जाइए, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है प्रोफाइल फोटो अपडेट हो चुका है। फिर से बैक जाइए, एक बार रिफ्रेश कीजिए। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना कि जो आइकन है ना, अभी भी पुराना वाला फोटो दिखा रहा है। आप कितनी बार भी रिफ्रेश करो, ये पुराना वाला ही दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार YouTube ऐप क्लोज करना है सिर्फ। फिर से ऐप पे जाइए। अब आप देख सकते हो, देखो वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने सोशल सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।